केंद्र की ओर से भेजे गए मसौदा प्रस्ताव को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सिंह बॉर्डर पर काफी मंथन किया। पूरी तरह सहमति न बनने की वजह से बुधवार को एक बार फिर बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, सरकार का लिखित प्रस्ताव देना अच्छा है मगर कुछ प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, इससे संबंधित कुछ बिंदु सरकार के पास भेजे जाएंगे। चुनावी गठबंधन के बाद अखिलेश और जयंत चौधरी ने मेरठ में की साझा महारैली, विपक्ष पर बोला करारा हमला, कहा इस बार सपा की गठबंधन सरकार का सत्ता में आना तय। मेरठ के दफ्तुआ में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी भीड़ के लिए मैं सभी नेताओं को धन्यवाद करता हूं और किसानों का भी धन्यवाद करता हूं। मेरठ के लोगों को नमन करते हुए अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत को भी याद किया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पर प्रियंका वाड्रा ने लिमिटिंग, प्लानिंग और स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक में चुनाव पर की गहन चर्चा, कांग्रेस के अभियानों को घर घर पहुंचाने पर भी हुआ मंथन। गोरखपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को 100 अरब रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात, गोरखपुर एम्स खाद कारखाना और RMRC लैब का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में विकास कार्यों का किया निरीक्षण, एम्स के मॉडल को भी देखा, अधिकारियों से ली जानकारी, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का किया स्वागत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर रही मौजूद। पीएम ने अपने संबोधन में कहा पिछले कुछ सालों में देश भर में 16 एम्स चलाने पर काम चल रहा है, हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। आप सब लोग जाने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रही है। आज वो घड़ी आ गई। प्रधानमंत्री बोले कहा पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था, डबल इंजन ने किया डबल विकास, इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। पीएम ने मंच से विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी, उन्हें सत्ता सिर्फ तिजोरी भरने के लिए चाहिए। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि फर्टिलाइजर के दाम भले ही दुनिया में बढ़ जाए लेकिन हम किसानों पर जोर नहीं पड़ने देंगे, अब खाद के लिए पैसे विदेश नहीं भेजने होंगे। पीएम ने बताया कि खाद की कमी को खत्म करने के लिए 3 कदम उठाए गए हैं, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रुका, इसकी 100% नीम से कोटिंग की, किसानों को सॉइल कार्ड और यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि गन्ना किसानों का गढ़ पूर्वांचल, ये एरिया एथेनॉल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले खाड़ी तेल यहाँ आता था अब झाड़ी का भी तेल आने लगा है। गोरखपुर में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जो विपक्ष के लिए असंभव है और नामुमकिन था उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभव कर दिखाया। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर को लगातार माना जाता था कि यह बीमारी है, यहाँ दिमागी बुखार मलेरिया जैसी बीमारियों से मौतें होती थी, तब 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी एम्स का शिलान्यास किया था और आज उद्घाटन भी हुआ।
अलग अलग दलों के नेता भाजपा में हुए शामिल। पार्टी कार्यालय पर दिलाई गई सदस्यता। राम सेवक पटेल, मनोहर सिंह जाटव, राणा कृष्ण किंकर सिंह, राजकुमार राज, डॉक्टर अनूप चौधरी और हाजी महमूद हसन ने थामा भाजपा का दामन। दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की हुई बैठक। पीएम मोदी ने दिया चुनाव को लेकर जीत का मंत्र। सभी सांसदों को पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कहा। पीएम बोले, सभी सांसद 5 राज्यों में पार्टी को जिताने के लिए करें काम। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने लगाई सांसदों को फटकार। संसद से अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा, संसद सत्र में कोई भी सांसद अनुपस्थित ना रहे, सांसद अपने आप में परिवर्तन लाएं। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया आंदोलन के दौरान मरे हुए किसानों को मुआवजा देने का मुद्दा। केंद्र पर साधा निशाना, कहा सरकार के पास मृतकों का आंकड़ा नहीं, हमारे पास सभी का नाम। मेरे पास है ये, मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। काशी दौरे पर 14 दिसंबर को अहम बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे चाय पर बैठक। चुनाव और विकास कार्यों को लेकर होगी बातचीत। कांग्रेस कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। कल सबसे पहले महिलाओं के लिए जारी होगा घोषणा पत्र। प्रदेश के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। श्रावस्ती में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। इसी तैयारी का जायजा लेने सिंचाई जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह राप्ती बैराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन का जायजा लिया और मंत्री ने कहा 1971 में देखा गया सपना मोदी और योगी ने पूरा किया। लखनऊ में कांग्रेस नेता ललन कुमार समेत 3 लोगों पर FIR। भाजपा विधायक के नाम पर लापता का पोस्टर बांटने का आरोप। विधायक अविनाश त्रिवेदी के लापता होने के पोस्टर बांटने के आरोप। BKT थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। एक और अनुपूरक बजट ला सकती है यूपी सरकार। किसानों, कर्मचारियों और महिलाओं को मिल सकती है सौगात। 15 दिसंबर से होना है विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। चुनाव से पहले काशी में बड़े सम्मेलन होंगे। 17 दिसंबर को मेयर सम्मेलन, देश भर से भाजपा के मेयरों को भेजा जाएगा। 23 दिसंबर को कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन होगा। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री सम्मेलन। गोरखपुर से MLA विनय शंकर तिवारी बसपा से निष्कासित। पूर्व MP कुशल तिवारी को भी मायावती ने किया निष्कासित। विधान परिषद के सभापति रहे गणेश शंकर भी निष्कासित। पार्टी में अनुशासनहीनता के मामले में की कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का सपा और रालोद की रैली पर निशाना, कहा 2019 में भी किया गया था महागठबंधन। बुआ बबुआ का सूपड़ा साफ हो गया था। ये बार बार मत करा करो, 17 में आपने किया अखिलेश जी कांग्रेस के साथ, आपने फिर मायावती जी के साथ किया, अब ये प्रयास करना बंद कर दो। वाराणसी में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश चुनाव के वक्त निकले हैं, 4 साल से नहीं निकले, घर में बैठकर धरना देते थे। चुनाव सामने, इन 4.5 वर्षों में न जनता के, न किसानों के, न नौजवानों के, न महिलाओं के, न दलितों के मुद्दे पर कोई उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, न उसकी लड़ाई लगी। रायबरेली में सदर विधायक अदिति सिंह और ग्राम प्रधान विनय यादव में हुई तीखी नोकझोंक। नोकझोंक का ऑडियो हुआ वायरल। सपा के पूर्व प्रत्याशी का बैनर लगाने पर भड़की थी अदिति सिंह। ये मेरी अपनी विचारधारा है मैम, सुन लो, ये मेरी अपनी विचारधारा है, RP की नहीं, जो भी मैं समाजवादी हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, और जब जब मौका मिलेगा मैं समाजवादी का स्वागत करूंगा, आपका विरोध तो कहीं नहीं किया है। यूपी में पहली बार मंदिर परिसर में होगी कैबिनेट की बैठक। CM योगी का कार्यालय 1 हफ्ते तक काशी से संचालित होगा। काशी विश्वनाथ धाम में 16 दिसंबर को होगी योगी कैबिनेट की बैठक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनी फरियादियों की समस्या, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। चमोली में मुख्यमंत्री धामी ने पोखरी विकास खंड में खादी ग्रामोद्योग मेले का किया शुभारंभ। 5 दिन तक चलेगा कवि चंद्र कुंवर ब्रतवाल खादी ग्रामोद्योग मेला।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज। देश भर से करीब 1200 खिलाड़ी अलग अलग खेल में ले रहे हिस्सा। खेल मंत्री अरविंद पांडे भी रहे मौजूद। मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त परिवर्तन रैली में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फकीर चंद नागर के नेतृत्व में हजारों की तादाद में उनके समर्थक गाड़ियों के साथ रैली में पहुंचे। देहरादून में एबीपी गंगा की महाधिवेशन में सियासी दिग्गज एक मंच पर जुटे। उनमें बड़े मुद्दों पर सीधे सवाल हुए। चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता दिनेश मोहनिया, बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस विधायक करण महारा के बीच तीखी बहस हुई। एबीपी गंगा के महाधिवेशन में महिला शक्ति के दम विषय पर चर्चा में बीजेपी नेता सुनीता विद्यार्थी और कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने बेहतरीन काम किया। कांग्रेस विधायक करण महारा ने जवाब देते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार की सारी पोल खुल गई। महाधिवेशन में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सत्ता मिलती है तो वो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। एबीपी गंगा के महाधिवेशन में बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस की सरकार में भाजपा सरकार से ज्यादा रोजगार दिया गया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की नकल कर रही है। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी के दंश को कांग्रेस दूर करेगी और चार धामों की कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट यूपीए सरकार में तैयार हुआ। एबीपी गंगा के महाधिवेशन में बोले वन मंत्री हरक सिंह रावत, अंतिम समय तक काम करने की मेरी आदत है। मेरे लिए पहले देश और प्रदेश, बाद में राजनीतिक दल। मैं झुक कर रह सकता हूँ, टूट कर नहीं रह सकता। विचार नहीं मिले तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई। अधिवेशन में उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा 2017 में सत्ता संभालने से लेकर आज तक हम लोग जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2022 में बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी होगी। एबीपी गंगा के महाधिवेशन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा साथ छोड़कर जाने वालों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले। मौजूदा सरकार ने मेरे कार्यकाल की कई योजनाएं बंद की। सीएम पद के चेहरे के सवाल पर कहा पार्टी निर्णय लेगी। हरीश रावत ने कहा जहां पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ सकता हूं, जिसमें पार्टी का भला होगा उसी में मेरा भला होगा। सीएम के लिए दलित उम्मीदवार वाले बयान पर मैं कायम हूं। कांग्रेस की जीत के लिए मैं समझौते के लिए भी तैयार। ललितपुर में गल्ला व्यापारी की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। दुकान में रखे तकरीबन 10,000 रुपए ले उड़े चोर। सदर कोतवाली के पनारी गांव का मामला। प्रयागराज में मरीज का इलाज न करने को लेकर नाराज परिजनों ने की तोड़फोड़। गंभीर मरीज को अस्पताल प्रशासन कर रहा था रेफर, बाद में हो गई मौत। सीसीटीवी में कैद तोड़फोड़ की तस्वीर। फायरिंग करने का भी दावा। फतेहपुर में कमर्शियल सिलेंडर से गैस भरते समय मारुति वैन में लगी आग। दो मारुति वैन, दो मोटरसाइकिल समेत लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर पाया काबू। कन्नौज से गुजरने वाली लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार का टायर फट जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार सवार मां बेटे में मां की मौत हो गई जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। आगरा में अनियंत्रित होकर दुकानों में घुसा ट्रक। देसी शराब के ठेके सहित तीन दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त। लाखों रुपयों का नुकसान। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। एतमादपुर के बरहन तिराहे की घटना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस पलटने से तीन यात्री घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। बस बिहार से जा रही थी दिल्ली। करीब तीन महीने से भी ज्यादा समय से विभिन्न मांगों को लेकर 81 गांव के किसान नोएडा प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों और किसानों के बीच नोकझोंक हो गई। किसानों ने प्राधिकरण के सभी एंट्री गेट पर महिलाओं को बिठाया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में। 6 दिसंबर की रात छात्र संगठन जेएनयू एसयू ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। लेफ्ट समर्थक छात्र भी हुए शामिल। बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की गई। जेएनयू में विवादित नारे लगाने के मामले को लेकर स्वामी चक्रपाणी महाराज बोले जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग ने सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का किया अपमान। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो।
एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े के पिता ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई गुहार। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने परिवार के खिलाफ फिर से बयानबाजी करने का नवाब मलिक के ऊपर लगाया आरोप। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ सीरीज का रिवाइज्ड शेड्यूल किया जारी। अब 17 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर से होगी भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत।